दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी ने दबिश दी है, जिसे देखते हुए झारखंड में सीएम आवास में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता धनंजय मंडल ने। देख पा रहे हैं झारखंड के ईडी कार्यालय में मौजूद हैं। ये ईडी कार्यालय हमारे पीछे की जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास में एक ईडी टीम पहुंची है, उनसे पूछताछ करने के बाद उनके बाद जो एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय है, ईडी कार्यालय की सुरक्षा जो है आप तस्वीरें में देख पा रहे हैं। तस्वीरें सुरक्षाकर्मी तैनात है, बंदूकधारी रैप के जवान है, झारखंड पुलिस के जवान, सेंट्रल पुलिस के जवान यहाँ तैनात कर दिया गया है और पूरी तरीके से चाकसुबन सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये अनुमान, ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ अप्रिय घटना ना घटे, उसको मद्देनजर यहाँ पे झारखंड पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। दूसरे तरफ आप देख पा रहे हैं जो अधिकारी मौजूद हैं, अधिकारियों द्वारा एक तरह से पूरी तैयारी कमर कस ली कि यहाँ पे कुछ अप्रिय घटना ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए ईडी कार्यालय की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। और दिल्ली में ईडी की दबिश के बाद सीएम आवास में यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इस पर अधिक बात करने के लिए सीएम आवास के बाहर से हमारे संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से दिल्ली में ईडी की टीम ने दबिश दी है सीएम आवास में, क्या कुछ चल रहा है यहां सीएम आवास पर? देखिए, अचानक से सुबह अचानक से लगभग 9 बजे के आसपास से मुख्यमंत्री आवास में आप देख सकते हैं कि स्पेशल ब्रांच के अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे। अमूमन जो है ऐसा नजर नहीं आता है। ये देखिए, आपको स्पेशल ब्रांच के साथ साथ आपको मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जितने लोग हैं वहां वो दिख रहे होंगे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर मैं खड़ा हूँ, ये तस्वीरें आप देखिए, ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर दिखाइए पिंटू, ये देखिए, ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन असली चीज जो मैं आपको दिखाता हूँ वो मैं दिखाता हूँ आपको गोंडा थाना के बाहर की तस्वीर। मैं आपको लेके चल रहा हूँ गोंडा थाना, ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने में है गोंडा थाना, वहां की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तब तक आप उधर की तस्वीर देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास का दूसरा गेट है, वहां की भी देखिए सुरक्षा की व्यवस्था कैसे बढ़ा दी गई है। अचानक से जवानों की संख्या में भारी इजाफा किया गया है। लेकिन जो असली चीज मैं आपको दिखाऊंगा वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, गोंडा थाना के पास से जवान आ रहे हैं। देखिए, ये तमाम जवान जो हैं ये गोंडा थाना से आ रहे हैं और गोंडा थाना के पास सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है जबरदस्त तरीके से। वो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ गोंडा थाना के बाहर की। देखिए, वहां पर भीड़ संभालने के लिए बाकायदा बस आपको नजर आ रही होगी पुलिस की, ये पुलिस की बस है और पुलिस यहाँ पर भारी मात्रा में है, वो वाली पुलिस जो भीड़ संभालती है। यानी कुछ ऐसा होने वाला है जो भीड़ पैदा कर सकती है, तो उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, दो बस आपको नजर आ रही होगी, ये दो बस दिख रही होगी। देखिए, ये दो बस में भर करके पुलिस कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये गोंडा थाना है और गोंडा थाना में पुलिस कर्मियों का अचानक से डेप्यूट किया गया है, वो भी वो वाली पुलिस जो भीड़ संभालती है। इन दो बसों में भर करके पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर, ये देखिए, ये गोंडा थाना है, अभी यहाँ पर आपको सब नॉर्मल दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इधर आएंगे, देखिए, इन दो गाड़ियों में भर करके पुलिस कर्मियों को यहाँ बुलाया गया है। ये देखिए, ये बस है, इन दो बसों में भर करके, जिसकी तस्वीरें आपको भेजी भी है मैंने, बाकायदा हाथ में लाठी और हाथ में वो जो भीड़ संभालने वाला वो होता है, शील्ड होता है, उस शील्ड के साथ पुलिसकर्मी यहाँ पर अभी मौजूद थे। अभी उन पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री आवास के अंदर डेपुट किया गया है, ऐसा लगता है उनको मुख्यमंत्री आवास के अंदर भेज दिया गया है। तो ये बस आप देख सकते हैं गोंडा थाना के बाहर, ये बस मौजूद है और इसी बस में भर करके तमाम जवानों को जो है बुलाया गया है। सारे जवान किधर गए भैया? सब उधर मुख्यमंत्री आवास की तरफ सारे जवान चले गए हैं। देखिए, सारे जवानों को मुख्यमंत्री आवास की तरफ अंदर में डेपुट किया गया है, बाहर तो छोड़िए अंदर में डेपुट किया गया है। आप देख सकते हैं, मैंने मुख्यमंत्री आवास के
सामने वाले गेट की तस्वीर आपको भेजी मुख्यमंत्री आवास के, पीछे वाले गेट की तस्वीर आपको भेजी मुख्य सचिव के आवास की आपको तस्वीर भेजी, जहां मुख्य सचिव के आवास पर रांची के एसएसपी और तमाम अधिकारी हाई लेवल की मीटिंग कर रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद की गई है? सीएम हेमंत सोरेन यहां पर सलाह लेने के लिए पहुंचे हुए थे वकीलों से, और ईडी ने उनके दिल्ली स्थित आवास में ही दबिश दे दिया है, जिसके बाद ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और पहले से ही जो जेएमएम कार्यकर्ता है वो लगातार राज्य भर में प्रदर्शन कर रहे थे, अब ये प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है इसके बाद। देखिए, प्रदर्शन का जहां तक सवाल है, मैं आपको बताऊं कि राज्य भर के जेएमएम का कुछ कुछ नेता हैं, वो मुझसे फोन करके अपडेट ले रहे हैं कि भैया क्या हुआ है, क्या हुआ है। देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, जेएमएम के नेता फोन करके अपडेट मांग रहे हैं कि भैया हुआ क्या है, खबर ऐसी आ रही है, खबर ऐसी आ रही है कि क्या अरेस्ट होंगे क्या सीएम? हमारे पास भी कोई ऐसी खबर नहीं है, पूछताछ समझ में आती है, लेकिन अरेस्टिंग जैसी कोई चीज अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन खबर यह है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था अगर बढ़ाई गई है तो इसका मायना यही है कि कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा क्या हो सकता है ये समझने की बात है, ये अभी किसी को समझ नहीं पड़ रहा। देखिए, अब से जाम लगना शुरू हो चुका है, ये जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक है, वहां पर सुरक्षा का भारी जाब्ता तैनात है। और देखिए, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं, स्पेशल ब्रांच के अधिकारी उनको कुछ समझा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर है मुख्यमंत्री आवास के बाहर की, आपको हम दिखा रहे हैं। और बाकी मुख्यमंत्री के आवास के सामने वाली गेट की तस्वीर आपको दिखाई, मुख्यमंत्री आवास के पीछे वाली गेट की तस्वीर आपको दिखाई, और आपको बताएं कि मुख्य सचिव एल खांगते के आवास पर एक हाई लेवल बैठक हुई, एक हाई लेवल बैठक अभी चल भी रही है। और इस बैठक में रांची के एसएसपी मौजूद थे, इस बैठक में अभी आईजी रांची, आईजी मौजूद हैं, ये तमाम लोग मौजूद हैं। तो अब देखना है कि इसमें और आगे क्या कुछ होता है। जी अनिकेत जी, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी ये बातें सामने आ रही थी कि अगर सीएम की गिरफ्तारी होती है, पहले से ये बातें चलकर आ रही थी कि सीएम को समन भेजा गया था और 27 से 31 जनवरी तक पेश होने के लिए कहा गया था, उनसे पूछताछ करनी थी। जब यहां पर सीएम पहुंचे हुए थे दिल्ली, तो अब दिल्ली में ही ईडी की टीम ने दबिश दे दी, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि क्या जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं जगह जगह पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा, कि यहां पर ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उन्हें बंद करें वरना चरमबद्ध आंदोलन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठता है। इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पूरे रांची भर में। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की तो समस्या जाहिर सी बात है, तभी तो इतनी सुरक्षा डेपुट की गई है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर समस्या नहीं होती तो इतनी सुरक्षा डेपुट करने की जरूरत ही नहीं थी, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, इसमें अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, संभव यह भी है कि हो सकता है मुख्यमंत्री ने खुद कहा हो कि आप मुझसे दिल्ली में पूछताछ कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री को तो 29 से 31 के बीच में ईडी ने कहा था कि भाई आपको तो पेश होना ही पड़ेगा, दिल्ली दरबार में मुख्यमंत्री ने हाजिरी दे दी है। खबर यह है कि दिल्ली दरबार से मुख्यमंत्री को किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है। आप निशिकांत दुबे का दो दिन पहले का ट्वीट देखिए कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली दरबार माथा टेकने गए, तो आखिर दिल्ली दरबार में ऐसा कौन है जो कि उनको ईडी के कहर से बचा सकता है? ये तो निशिकांत दुबे ही बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए इन तस्वीरों से ये तो साफ है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन मैं फिर ये बात बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ जमीन घोटाले की बात है तो जमीन घोटाले को लेकर के इतना बड़ा सेल्फ गोल कोई नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अरेस्ट करने की भूल करेगा, क्योंकि इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। पहली चीज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो स्टेटस है वो हीरोइक स्टेटस हो जाएगा, जो उनका वोट बैंक है उसके बीच एक जो संवेदना वाला वो जो फीलिंग होती है वो संवेदना वाली फीलिंग चली जाएगी। तो ऐसा सेल्फ गोल कोई नहीं करेगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अरेस्ट करने की गलती कोई नहीं करेगा। लेकिन चूंकि पूछताछ हो रही है, जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि वो रोज राजभवन मार्च करेंगे। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, ईडी कार्यालय से धनंजय हमारे साथ समाता बने हुए। धनंजय, जिस तरीके से ईडी ने दिल्ली में सीएम आवास पर दबिश दी है, उनसे पूछताछ की बात सामने आ रही है, ईडी कार्यालय में क्या कुछ हलचल चल रहा है? देखिए, मैं तस्वीरें डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ अनिकेत, ईडी कार्यालय के बाहर मौजूद है और हम आपको तस्वीर देखिए, एक साइड में आपको ये झारखंड पुलिस के जवान आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे झारखंड पुलिस के जवान मौजूद है
और सभी जीएसटी जो हटे जीएसटी हैं उनके नेतृत्व में आप पूरी तरीके से छावनी कर दी गई और जीएसटी मौजूद भी है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे ईडी कार्यालय के। हमारा संपर्क धनंजय से नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से हम चलते हैं सीएम आवास, जहां पर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए अभिषेक भारती। अभिषेक, वहां पर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? जिस तरीके से आपने बताया कि गिरफ्तारी करने की बात सामने नहीं आएगी, अगर गिरफ्तारी की जाती है तो सीएम हेमंत सोरेन एक हीरो की तरह उभर कर सामने आएंगे। देखिए, मैं आपको फिर यही बात कह रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना हलवा नहीं है। फिर मैं ये बात कह रहा हूँ कि हलवा नहीं है, इसको समझिए। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने से पहले, सबसे पहले तो इसको समझना है कि ये पूछताछ किस मामले को लेकर के हो रही है। ये पूछताछ जमीन घोटाले को लेकर के हो रही है, अवैध खनन या और कोई मामला इसमें नहीं है। ईडी उससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछ सकती है। अब अरेस्ट करने से पहले ईडी को वारंट लेना पड़ेगा कोर्ट से। लेकिन अब सवाल है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्यों? भाई, एक छोटे मोटे नेता तो हेमंत सोरेन है नहीं, हेमंत सोरेन एक बड़े नेता है, तो बड़े नेता से अगर पूछताछ हो रही है, पिछली बार आपने देखा था, तो भाई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो उत्पन्न होती ही है, और संभावना इसकी भी जताई जा रही है कि शायद मुख्यमंत्री। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। धनंजय एक बार फिर से हमारे साथ बन गए ईडी कार्यालय के बाहर से। धनंजय, क्या कुछ हलचल चल रहा है वहां पर? जिस तरीके से ईडी ने दिल्ली में सीएम आवास के यहाँ पर दबिश दी है, तो यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है ईडी कार्यालय के बाहर? देखिए, ईडी कार्यालय की सीधे तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। अनिकेत, रैप के जवान है, झारखंड पुलिस के जवान और सेंट्रल पुलिस के जवान, तीनों जवान को यहाँ तैनात कर दिया गया है। रांची हटिया के डीएसपी भी मौजूद है और सुरक्षा दृष्टि से आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि जितने भी जवान यहाँ पे मुस्तैद कर दिया गया है। कल ही से जेएमएम प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहा, हो सकता है यहाँ पे भी जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंच जाए। उससे निजात पाने के लिए, उससे सुरक्षा व्यवस्था को चूक ना हो, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये ईडी कार्यालय की जो सुरक्षा है अपने अंदर ले रखी है, और ये तमाम फोर्स, चाहे डंडाधारी या बंदूकधारी, सभी फोर्स यहाँ मौजूद है, और पत्थरबाजी से निपटने के लिए आंसू गैस के भी उनके पास बंदूक मौजूद है, ताकि तमाम जो उपकरण होते हैं, सभी उपकरण यहाँ पे फोर्स के पास मौजूद है, और ये सुरक्षा बेल सभी, अब एयरपोर्ट रोड है और एयरपोर्ट रोड में ईडी कार्यालय स्थित है। बैरिकेटिंग पहले से भी किया गया था, बैरिकेटिंग अंदर में आपको सुरक्षा के जवान आपको तमाम देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर ईडी कार्यालय की, दूसरी तरफ हम लोगों को तस्वीर दिखाएं तो ये झारखंड पुलिस के जवान जो है, डीएसपी है, वो उनके नेतृत्व में सभी झारखंड पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं। पूरे सुरक्षा व्यवस्था को लेके बैरिकेटिंग कर दिया गया है, हिनू चौक से लेके एयरपोर्ट रोड तक पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। कहीं चूक ऐसा ना, उसके तमाम चीजों की जानकारी ये लोग इकट्ठा भी कर रहे हैं और साथ साथ पता करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं पे कुछ इस तरह का अनहोनी घटना ना हो। इसी मद्देनजर ईडी कार्यालय के बाहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है, सीएम कार्यालय के बाहर में सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में जिस तरह से ईडी अधिकारी पहुंचे थे सुबह सुबह, झारखंड भवन पहुंचे थे, झारखंड भवन में वो नहीं मिले, फिर उनके आवास पहुंचे, वो अपने उनके ड्राइवर को लेके, वहां भी कयास लगाया जा रहा है कि नहीं मिले। अब कहां है सीएम, किन्हीं को पता नहीं। ईडी कार्यालय में उनके ड्राइवर को लेके पहुंचे थे, ईडी अधिकारी पहुंचे थे। अब बहरहाल अब देखने वाली बात हो कि जो सोर्सेस से जानकारी मिले कि मुख्यमंत्री दिल्ली में ही मौजूद है, रांची के लिए नहीं निकले हैं। अब ये ईडी कार्यालय में, यहाँ पे जो रांची के ईडी कार्यालय, इसकी सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है, तस्वीरें में साफ साफ दिख रही है। अनिकेत, यानी जो तस्वीरें हैं अपने आप में ये बयां कर रही है कि जो सीएम के जो जो कार्यकर्ता है, जेएमएम के जो कार्यकर्ता है, गठबंधन के जो कार्यकर्ता है, वो भी यहाँ हो सकता है पहुंचे हैं, क्योंकि कल प्रदर्शन किया था और आज भी प्रदर्शन करने के लिए रांची कूच कर चुके हैं, मोराबादी में इकट्ठा हो गया और राजभवन तक प्रदर्शन करने का उन लोगों का पूरा तैयारी था। बहरहाल वहां तैयारी, मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचने की सूचना है कि वो मुख्यमंत्री आवास में भी कार्यकर्ता पहुंचेंगे, हो सकता है ईडी कार्यालय भी पहुंच सकते हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं ईडी के खिलाफ। आप उन तमाम चीजों को निजात पाने के लिए जो सुरक्षा बल के जवान है वो यहाँ मौजूद है, चाहे महिला पुलिस की बात करें, पुरुष जो जवान है उनकी बात कर लें, सभी लोग यहाँ मौजूद है, ताकि कोई भी अगर महिला भी प्रदर्शनकारी आते उससे निपटने में सक्षम हो सके। ये ईडी कार्यालय जो एयरपोर्ट रोड में मौजूद है पूरी तरीके से, देखिए आपको तस्वीर अगर कोशिश करूंगा तो देख पा रहे होंगे, तो ईडी कार्यालय के अंदर में जो बैरिकेटिंग किया गया था वो छावनी में तब्दील किया गया था, वहां पे भी बंदूकधारी पुलिस बल जो सीआरपीएफ के जो जवान वो वहां मौजूद है, बाहर में रैप के जो जवान है वो मौजूद है, झारखंड पुलिस के भी जवान मौजूद है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लोगों को सूचना मिली है
और सूचना आग की तरह फैल गई पूरे झारखंड से, पूरे राष्ट्र में जो सूचना फैली है कि हेमंत सोरेन दिल्ली में मौजूद है और वहां पे ये अधिकारी पहुंचे उनसे पूछताछ करने के लिए। उसके बाद जो जेएमएम कार्यकर्ता में काफी रोष भी देखा जा रहा, हो सकता है वो जो कुछ करने की संख्या कल जो थी उससे दोगुना भी हो सकता है, रांची कुछ भी और ज्यादा भी कर सकते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी जेएमएम की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, जेएमएम की तरफ से क्या जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो ह्यूज अमाउंट में कार्यकर्ता पहुंचे और पहुंच सकते हैं रांची में, वहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजों को लेके, सुरक्षा व्यवस्था को लेके देखिए ईडी अधिकारी का जो रोजाना जो ड्यूटी में होते हैं वो अधिकारी अंदर भी जा रहे हैं, अंदर से बाहर भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी उन लोगों की तमाम चीजें इनपुट्स हो सकता है, इन लोगों से भी मंगाया गया भी होगा। जो ईडी अधिकारी है जो दिल्ली पहुंचे हैं वो तमाम दस्तावेज लेके पहुंचे हैं, क्योंकि उनसे पूछताछ भी करना था, हो सकता है वहां पे भी पूछताछ की जा सके, क्योंकि जो टाइम दिया गया था और सोर्सेस से जो जानकारी मिले थे जेएमएम के तरफ से, सीएमओ तरफ से जो जानकारी मिले थे 31 तारीख को सीएम ईडी के सामने पेश हो सकता है, लेकिन बहरहाल उससे पहले ईडी का यह दबिश मुख्यमंत्री के ठिकानों पे कहीं ना कहीं अपने आप में झारखंड की राजनीति काफी गर्म होने वाली है। ये तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर देखिए, चाहे झारखंड पुलिस की महिला पुलिस हो, झारखंड पुलिस के जो पुरुष जवान सभी लोग मौजूद है यहाँ पे, चाहे डंडाधारी पुलिस बंदूकधारी, उसके बाद जो पत्थरबाजी जो होता है उसे निपटने के लिए जो ग्लास सील्ड ग्लास है वो मौजूद है सभी के, और उनके पास देखिए तभी सभी तस्वीरें ईडी कार्यालय के बाहर ही है, तमाम हेलमेट भी हाथ में मौजूद है। तो ये तमाम सुरक्षा दृष्टिकोण से जवानों के पास ये हथियार मौजूद है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। अनिकेत निरंजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार हम फिर से चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक भारती के पास से, जो लगातार सीएम आवास के बाहर से हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, वहां पर क्या कुछ हलचल चल रहा है? देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप पुलिस बल देख सकते हैं सामने, इन तस्वीरों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए इन तस्वीरों से आपको बहुत अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। आप तस्वीरों को देखिए, सुरक्षा बल अचानक से पूरा बढ़ाता जा रहा है, बढ़ रहा है सुरक्षा बल लगातार बढ़ रहा है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। और आपको एक और बात मैं बताऊं कि पीएमएलए के तहत मुख्यमंत्री प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, अभिषेक मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, पटना जाना चाहता हूँ, वहां पर लालू यादव से ईडी पूछताछ कर रही है और उनकी बेटी मीसा भारती कुछ कर रही है, आपको वो सुनाते हैं। इसमें जोड़ी गई है और इस धारा के तहत किसी गिरफ्तारी की संभावना बनती है जी, यानी के हम फिर से वापस चलते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक के पास, जो सीएम आवास से लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हुए थे, क्या इसके कुछ राजनीतिक मायने भी निकल सकते हैं कि सीएम का दिल्ली दौरा कुछ ना कुछ राजनीतिक मायने निकाल कर ला सकता है? देखिए अनिकेत, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से एट होम पार्टी को अधूरा छोड़ करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए निकले, तो ये बात तो सबके समझ में आ गई थी कि भाई कुछ अर्जेंट है, कुछ बहुत जरूरी है। अब जब वहां के बाद जब हम देख रहे हैं कि भाई ईडी का छापा वहां पर पड़ा है, ईडी वहां पर मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रही है जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, और उसके बाद अब यहां पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, तो ये बात तो तय हो गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन वो बड़ा क्या होने वाला है अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। निकेत, मैंने आपसे पूछा कि जिस तरीके से सीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम आवास में सुरक्षा बढ़ा दी गई है लगातार, जिस तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम आवास में ईडी ने दबिश दी है, उसके बाद पूरे राज्य भर में सीएम आवास ईडी कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लगातार यहां पर बैरिकेटिंग की गई है। जिस तरीके से जेएमएम के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर के जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलहाल अभी हम यहां रुकेंगे।
तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ा दी गई है, जिस तरीके से सीएम के आवास में ईडी ने दबिश दी है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, सीएम आवास में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, ईडी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और सुरक्षा बल मंगाई गई है। जिस तरीके से लगातार जो है उग्र आंदोलन करते हुए दिख रहे थे, ईडी की जिस तरीके से कार्रवाई कर रही थी उसको लेकर के तमाम जो जेएमएम के कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, मसाल जुलूस निकाले जा रहे थे। वहीं आज बता दें आपको कि पिछले दो दिनों से रांची में जो जेएमएम के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे थे और मोरहाबादी मैदान में पहुंचे हुए थे। आज भी राजभवन घेराव का उनका प्लान था और अब जिस तरीके से ये खबर निकल कर सामने आई है कि दिल्ली में सीएम आवास पर ईडी ने दबिश दी है, जिसके बाद ये खबर पूरे जेएमएम कार्यकर्ताओं में आग की तरह फैल गई है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजभवन घेराव के साथ साथ जो कार्यकर्ता है वो ईडी कार्यालय भी पहुंच सकते हैं। इसको लेकर के ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, सीएम आवास के बाहर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, हर चौक चौराहे पर पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गई है, भर भर कर पुलिस की गाड़ियां पहुंची हुई है, जिसमें तमाम जो है पुलिस अधिकारी भी मौजूद है और पुलिस जवान भी मौजूद है और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए लगातार यहां पर प्रशासन जो है वो तत्पर है। जिस तरीके से सीएम के आवास पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ईडी कार्यालय में भी बढ़ाई गई है और लगातार आपको बता दे कि ईडी ने समन भेजा था और 27 से 31 जनवरी तक उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था या फिर खुद जाकर जिस तरीके से पिछली बार ईडी ने पूछताछ किया था